हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। मैं अपना ब्लॉग आज यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ, मतलब इवनिंग से स्टार्ट कर रही हूँ। अभी सो के उठी हूँ यार, सो के तो नहीं उठी, वैसे ही बस लेटी हुई थी, थकी हुई थी तो लेटी हुई थी, बस अभी उठी हूँ। तो मैं अब लगाने लगी हूँ मेहंदी, अपने चाचू की बेटी की मेहंदी लगाने लगी हूँ। फाइनली ये हमारी मेहंदी लग चुकी है, अब मैं कर रही हूँ फिलिंग। मैंने बस हल्का सा इसका डिज़ाइन बनाया है, टिक्की बनाई थी बस, और फिंगर्स पे मतलब कि फिलिंग करके हल्के से फ्लावर वगैरह ही बनाया है, ज़्यादा नहीं लगाई क्योंकि बच्ची है तो उसके लिहाज से मैंने मेहंदी लगाई थी उसके। मैंने बड़ी मुश्किल से इसके मेहंदी लगाई है, बहुत हिल रही थी, छोटे बच्चे तो वैसे ही बहुत, उनके मेहंदी लगाना बहुत मुश्किल है, इतना हिलते हैं, उनको बोलते रहो बच्चे आराम से बैठ जाओ आराम से बैठ जाओ, लेकिन नहीं, फिर भी वो लोग हिलते रहते हैं। और ये मैंने लगाई है दूसरे हाथ पे मेहंदी, बस मैंने हल्का सा सिंपल सा ही डिज़ाइन बनाया है, ज़्यादा ओवर नहीं किया क्योंकि बच्ची है। पेट पूजा का टाइम हो गया, मैं भी करने लगी हूँ पेट पूजा। मेहंदी लगा के हटी थी तो फिर मैंने नमाज़ पढ़ी है, नमाज़ पढ़ के मैंने कहा चलो राइस खा लेते हैं, भूख भी लग रही थी मुझे, दोपहर भी मुझसे खाए नहीं गए, तो मैंने कहा चलो मैं अभी खा लेती हूँ, फिर उसके बाद जो काम है वो करेंगे। तो बस हमारे काम ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। फाइनली हमारा खाना भी तैयार हो गया, रोटियाँ भी बन चुकी हैं, मैंने मैंगो भी काट लिए थे और सालन भी बना लिया था, मैंने चिकन बनाया था दोपहर में, मैंने बिरयानी बनाई थी और यहाँ पे बन रही हैं सेवैयाँ। आंटी सेवैयाँ बना रही थी, बल्कि मैं ही बना रही थी, आंटी से पूछ पूछ के कि कैसे बनानी है मुझे बता दें, मैंने बनाई। और ये मैं गई थी पार्लर, बट वो घर पर नहीं थी, ताला लगा हुआ था, तो हम लोग घर आते थे फिर सामने साराबाजी वालों के घर चले गए, मैंने कहा चलो वो नहीं है तो साराबाजी के पास जाते हैं, आंटी ने आईब्रो। मैं आंटी को छोड़ के अभी आई हूँ साराबाजी वालों के घर, तो मैंने अपने कपड़े वगैरह जो भी थे वो मैंने सारे प्रेस करके हैंगर करके रख दिए थे, तो मैं आपको अब दिखाती हूँ अपने सारे कपड़े, बाजी के भी दिखाती हूँ और अबू बकर के भी दिखाती हूँ। ये शर्ट है, बिल्कुल सिंपल सा ही सिलाई किया है, लेस वगैरह लगा के, यहाँ बाजू में भी अंदर लेस दी है और यहाँ पर भी दामन पर भी लेस लगाई है। और ये इसका ट्राउज़र और दुपट्टा है, शिफॉन क्रिंकल का दुपट्टा है इसका, और ये ट्राउज़र है, और ये मेरा सेकंड ड्रेस है, ये देख लें, ये इस तरह से स्टिच किया है बहन वाला, ये मुझे गिफ्ट किया था मेरी नन ने, और क्या कहते हैं स्टिच मेरी सिस्टर ने किया है। ये इसका ट्राउज़र है, और ये साथ में इसका मैंने ऑर्गेंजा का दुपट्टा लिया था, और ये मेरा ड्रेस, ये मुझे ईद पे मिला था, छोटी ईद पे, जब तो स्टिच नहीं हुआ बट ये अब जाके मेरा स्टिच हुआ है। ये मैंने इस तरह से ये फ्रॉक बनवाई है, मैं सिस्टर को कोई मतलब के डिज़ाइन वगैरह नहीं बताती, वो खुद ही बना लेती होती हैं। इस तरह से यहाँ पे तिकोन लप बना के लगाए हैं, फ्रॉक टाइप बनाया है, और इसका ये वाला दुपट्टा है, प्रिंटेड दुपट्टा है, क्रिंकल का है ये, सॉरी शिफॉन का है, और ये साथ में इसका ट्राउज़र है, और ये थर्ड ग्रीन कलर में है ये। ये मैंने आपको दिखाया भी था, इसके लिए तो इतनी खवारी करनी पड़ी है, इसके साथ मैच नहीं रही थी, सलवार नहीं मैच हो रही थी, इतनी मुश्किल से शलवार इसके मैच की, ये इसकी शलवार है, बिल्कुल सिंपल सी ये सिलाई की है, जस्ट एक प्लेट दिया है इसमें इस तरह से। इसका अभी भी दुपट्टा रह गया है, दुपट्टा नहीं मिला था मुझे। ये मेरी ड्रेसेस हैं, ये खुस्सा है जो कि मैंने लिया था मीरपुर से, जी मेरी जान, हाँ जी जिंदा, और ये एक खुस्सा है, ये भी मैंने मीरपुर से, ये दोनों खुस्से मीरपुर से लिए थे, ये है ग्रीन कलर और ये वाइट, क्योंकि मेरे ड्रेसेस थे वाइट और ग्रीन,
दो ग्रीन थे और एक वाइट था, तो मैंने कहा चल जाएगा। वैसे फ्रोजी सूट उसके साथ भी चल जाएगा और ब्लू कलर में जो है वो उसके साथ भी चल जाएगा ये। और अब बारी है बाजी की ड्रेसेस की। ये जो ड्रेसेस दिखा रही हैं ये सारे बाजी के हैं, बाजी ने खुद ही स्टिच किए हैं कपड़े वगैरह, माशाल्लाह बाजी खुद ही स्टिच कर लेती हैं। और ये हैं अबू बकर के ड्रेस जिसके पप्पा ने भेजे थे आज। ये एक कुर्ता है, बाकी एक पप्पा आज लेके आए थे वो उसका धुलने वाला है, और एक और था इसके पप्पा ने वो पता नहीं कहा। अब हम करने लगे हैं ब्लीच, आज कह रहे थे फ्री हो गए तो आज वो ब्लीच वगैरह कर लें। मैं मुंह पे तो नहीं खैर करूँगी, बस हाथों पे और पाँव पे ही करूँगी। और अगर आपने मेरा चैनल तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ ताकि आप तक नोटिफिकेशन आ जाए मेरी वीडियो का। और लाइक और कमेंट लाजमी किया करें और वीडियो को शेयर भी लाजमी किया करें। और यहाँ कर रही है निशा मेरी ब्लीच, निशा को बुलाया था बेचारी, आई है हमारे लिए 11:30 बजे आई है। थैंक यू यार निशा, जब बुलाती आ जाती है। रात के 12 बजे ना, और इनके मम्मा पापा ने इनको बेचारों को घर से बाहर निकाल दिया। ये निशा है, ये आयशा है, और ये हम मवाली उजैफा, सब जानते हैं इसका, तो हाय कर दो। बन चुकी हैं और यहाँ पे हमारी खीर मिक्स भी बन चुकी है। ये है हमारा मीठा जो कि मैं बिल्कुल नहीं खाती। हमारा व्लॉग होता है यहीं पे ख़त्म। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़। और वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट लाजमी कर दिया करें। बाय बाय।